हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार युवा को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? ए नासा, बी इसरो, सी यूनिसेफ, डी यूनेस्को। इसका राइट आंसर होगा सी यूनिसेफ। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफार्म युवा जनरेशन अनलिमिटेड की स्थापना करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा जहां कोरोना मरीज भी वोट देंगे? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा बी बिहार। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा का ऐलान 25 सितंबर को किया था। चीन इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा के अनुसार वोटिंग 3 फेज में होगी। बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चर्चित EPCA किस प्रकार को सरकारी निकाय है? ए कानूनी निकाय, बी संवैधानिक निकाय, सी नियामक निकाय, डी अर्थन्यायिक निकाय। ए इसका राइट आंसर होगा ए कानूनी निकाय। वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला T20 में 3000 रन बनाने वाली कौन सी खिलाड़ी बन गई है? ए पहली महिला, बी दूसरी खिलाड़ी, सी तीसरी खिलाड़ी, डी चौथी खिलाड़ी। इसका राइट आंसर होगा बी दूसरी खिलाड़ी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला T20 में 3000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ी में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स है, जिन्होंने 119 मैच में 3243 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर स्टेफनी टेलर, जिन्होंने 1005 मैच में 3020 रन बना लिए हैं। किस बैंक ने सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया है? HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, CS बैंक, DSBI बैंक। इसका राइट आंसर होगा बी IDFC फर्स्ट बैंक। किस राज्य सरकार ने मोच कलश योजना को शुरू किया? ए राजस्थान, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ए राजस्थान। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, राजस्थान सरकार ने परिवार में किसी व्यक्ति के निधन होने के बाद हस्तियां विसर्जन के लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार बंद कर दिया है, यह किस देश की कंपनी है? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी इटली, डी USA। इसका राइट आंसर होगा डी USA। कंपनी हरियाणा में अपनी आरसे बालिंग यूनिट बंद कर रही है और गुरुग्राम के अपने दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही है। भारत में करीब 70 लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चर्चित न्यूट्रोनो क्या है? एक खोजा गया ग्रह, एक प्रकार का वैक्सीन, सेकेंड कोरोना की दवा, डी उप परमाणु कण। इसका राइट आंसर होगा उप परमाणु कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना महामारी के दौरान संसद का मानसून सत्र कब से कब तक चला? 14 से 24 सितंबर, सेकेंड 15 से 25 सितंबर, सी 16 से 26 सितंबर, डी 17 से 27 सितंबर। इसका राइट आंसर होगा ए 14 से 24 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सत्र 1 अक्टूबर तक चलने वाला था लेकिन कोरोना महामारी चलते इसमें कटौती कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने नए संसद भवन निर्माण के लिए बोली जीती है?
ए टाटा प्रोजेक्ट्स, बी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, डी पिनटेरेस्ट। इसका राइट आंसर होगा ए टाटा प्रोजेक्ट्स। फिल्म एक्ट्रेस आशा लता वावगांवकर का कोरोना से निधन हो गया, वह किस राज्य की रहने वाली थी? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। इसका राइट आंसर होगा डी गोवा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आशा लता वावगांवकर 79 ईयर्स की थी, उन्होंने 100 से भी ज़्यादा मराठी हिंदी फिल्मों और नाटकों में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर डीन जोन्स का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया, वे किस टीम के खिलाड़ी थे? इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी साउथ अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये 59 साल के डीन जोनल्स आईपीएल में कमेंट्री का हिस्सा थे, उनका निधन मुंबई में हुआ, वह इस बार मुंबई में कमेंट्री कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ ने देश के कितने राज्यों और यूटी में बने 43 पुलों का उद्घाटन किया? 8 राज्यों, सेकेंड बी 7 राज्यों, सी 10 राज्यों, डी 9 राज्यों। इसका राइट आंसर होगा 7 राज्यों। ये पुल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पुलों के रणनीतिक तौर पर अहम जगहों पर तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? ए 25 सितंबर, बी 26 सितंबर, सी 27 सितंबर, डी 28 सितंबर। इसका राइट आंसर होगा 28 सितंबर। रेबीज की खोज लुई पाश्चर ने की थी, यह रोग 90% कुत्तों के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पाटा गेंद अवार्ड जीता है? ए केरल, सी पंजाब, बी हरियाणा। हाल ही में किस राज्य ने पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है? ए केरल, सी पंजाब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है? ए केरल, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ए केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइम मैगनीज के 2020 की सौ प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन कौन शामिल हैं? ए पीएम नरेंद्र मोदी, बी आयुष्मान खुराना, सी बिल्किस आइकन साहिबाग से दीदी, डी सभी। इसका राइट आंसर होगा डी सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व डाक दिवस, बी
विश्व महिला सुरक्षा दिवस, सी विश्व पर्यटन दिवस, डी विश्व चुनाव दिवस। इसका राइट आंसर होगा विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 सितंबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? ए विश्व नेत्र दिवस, बी विश्व कान दिवस, सी विश्व किडनी दिवस, डी विश्व हृदय दिवस। इसका राइट आंसर होगा डी विश्व हृदय दिवस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।